नमस्कार, GDPL ऑनलाइन चैनल में मैं आमिर खान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पिछले दो वीडियोस में या दो लेक्चर्स में रीट लेवल टू साइंस पढ़ी, जिसमें हमारा टॉपिक मोशन और फोर्स या बल या गति था। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। हमने चार टाइप्स बताए थे बल के, वो पूरी तरह से आई होप आपने अच्छे से पढ़े होंगे और उस चीज़ को समझा होगा। और थैंक यू फॉर व्यूअर्स, आपने कमेंट भी दिए, थैंक यू सो मच उस चीज़ के लिए। हम और अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं डे बाई डे। देन वी स्टार्टेड नाउ, और आज हम वो पढ़ेंगे। एक्चुअली जो बल के प्रकार थे, वो सारे बल के प्रकार मैंने आपको करा दिए, लेकिन अब बात करते हैं उन बलों के बारे में जो थोड़े से हटके हैं और हमारे दैनिक जीवन में हम इनका उपयोग करते रहते हैं। ठीक है, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बल है वो आपका है घर्षण। जिसको फ्रिक्शन कहा जाता है। आप देखेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स या घर्षण बल क्या है। आपने जब हम कभी चलने का प्रयास करते हैं या हम हमेशा ही चलते हैं, तो कहीं ना कहीं जहां पर चिकना सरफेस आ जाता है एकदम स्मूथ, या आपको लगेगा जब बहुत ज्यादा चिकनापन है उस फर्श पे, या और उस चिकने फर्श पर भी अगर कोई पानी डाल दे तो वो और ज्यादा हमारे लिए क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है। और इस क्रिटिकल सिचुएशन में हम जैसे ही अपना पांव रखते हैं या हम लोग चलने की कोशिश करते हैं, हम लोग गिर पड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्या आपने कभी इसके बारे में जानने की कोशिश करी? ऑफकोर्स आप इस चीज को जानते हैं कि वो सारी चीजें घर्षण से रिलेट करती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पैर इस धरती को या इस सरफेस को, इस सतह को पीछे खींचने की तरफ कोशिश करता है। और हम आगे तभी बढ़ पाते हैं जब हमारा पैर इस सतह को पीछे की ओर खींचता है या पीछे की ओर धकेलता है। जब पीछे की ओर हम सरफेस को धकेलते हैं, सतह को धकेलते हैं, तभी हम आगे बढ़ जाते हैं। तो फ्रिक्शन म्यू, इसको कहते हैं घर्षण गुणांक। और घर्षण गुणांक का मान अगर जीरो हो गया, अगर घर्षण गुणांक का मान जीरो हो गया, तो अब आगे आपकी जो सरफेस है इसकी जो स्मूथनेस है, या फिर हम कहेंगे फिसलन, ये फिसलन बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी हमारा जो फिसलना है वो लगभग लगभग तय है अगर हम थोड़े ध्यान से ना चले तो। तो अगर मैं घर्षण को कहूंगा तो मैं क्या कहूंगा, बेसिकली इसकी क्या परिभाषा रहेगी? इसकी परिभाषा रहेगी कि किसी संपर्क में रखी दो वस्तुएं जो अपनी ही गति का विरोध करती है। जैसे एक ये वस्तु है कि कहीं रखी हुई, ये इसकी सतह है, ये कोई पिंड या बॉक्स। क्या ये पिंड और बॉक्स अपने आप इसके ऊपर चल जाएगा या अपने आप इस पर गति को प्रदान कर लेगा? हो सकता है ऐसा? ऐसा नहीं हो सकता। इस पर कोई बाह्य बल काम करेगा और ये बाह्य बल इसको आगे की ओर खिसकाने का काम करेगा। जब ये आगे की ओर खिसकेगा तो ये क्या आसानी से खिसक पाएगा? ये आसानी से नहीं खिसक सकता, क्योंकि इन दो सतहों के बीच आपस में एक बल काम कर रहा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो इन दोनों सतहों में रखी इन दोनों वस्तुओं के बीच, सतह यानी वस्तु के बीच एक बल है जो इन दोनों का विरोध करता है। विरोध का सेंस है कि इसको खिसकने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हम चाहते हैं कि ये अपनी जगह को छोड़ दे, लेकिन इतनी आसानी से वो जगह नहीं छोड़ पा रहा है। ठीक है, यानी एक दूसरे का विरोध करना और यही विरोध
घर्षण कहलाता है। हम आज चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा पैर और ये सतह आपस में एक दूसरे का विरोध करते हैं, और ये विरोध ही हमें चलने के लिए प्रेरित करता है या यही विरोध हमें चलने देता है। अगर कहीं घर्षण गुणांक का मान जीरो हो जाए तो हमारा पैर बहुत कोशिश करेगा इन दोनों के बीच में संपर्क करने की, पर संपर्क नहीं हो पाएगा, और अगर संपर्क नहीं हो पाएगा तो हम फिसल जाएंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि जितनी भी सड़कें बनाई जाती हैं ये सभी सड़कें इसी पर आधारित होती हैं कि वहां पर कोशिश की जाए कि घर्षण गुणांक को थोड़ा बढ़ाया जा सके या ज्यादा रखा जा सके, जिसके मध्य टायर जो पहिया होता है गाड़ी का, टायर के और सड़क के बीच में एक घर्षण गुणांक हमेशा काम करता रहे, और घर्षण गुणांक काम करने की वजह से वो आसानी से इस सड़क पर चल सके। ठीक है, बारिशों में हम देखते हैं कि बारिशों में ज्यादातर फिसलन हो जाती है, बाइक स्लिप हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसी वजह से होता है कि उनमें घर्षण गुणांक कहीं ना कहीं जीरो हो जाता है, और जैसे ही घर्षण गुणांक जीरो हुआ इन दोनों के बीच में घर्षण बल काम करना बंद कर देता है, और घर्षण बल काम करना बंद कर देता है तो ये संपर्क को तोड़ देते हैं, और जैसे ही संपर्क टूटता है व्यक्ति गिर जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको घर्षण गुणांक और घर्षण बल के बारे में थोड़ा बहुत पता लग गया होगा। अब ये घर्षण बल या घर्षण गुणांक की जो प्रॉपर परिभाषा है वो क्या होगी वो हम देखते हैं। घर्षण गुणांक किसी वस्तुओं, दो वस्तुओं के मध्य इस प्रकार का बल है जो एक दूसरे को गति करने से रोकता है। तो आप नोट करें इस चीज को और नोट करके लिखें कि घर्षण बल इस प्रकार का बल है जो दो वस्तुओं के बीच में उनको गति करने से रोकता है या गति करने का विरोध करता है। ठीक है, ये घर्षण बल मुख्यतया तीन प्रकार का होता है। इसको कहेंगे, पहला जो है वो है स्थैतिज घर्षण बल। अब बात करते हैं स्थैतिज की, चलो बाद में दूसरा तो मैं आपको बाद में समझा ही दूंगा। ठीक है, स्थैतिज की बात करते हैं तो स्थैतिज जो बल है वो कैसा बल है कि एक वस्तु को किसी सतह पर खिसकाने के लिए, एक वस्तु को किसी सतह पर खिसकाने के लिए जो बल प्रयोग में आता है वो बल स्थैतिज बल है। ठीक है, स्थैतिज का मतलब क्या हुआ, किसी जगह रखा हुआ एक जगह, इसको हम लोग खिसका रहे हैं। अगर हम इसको खिसका रहे हैं इसका मतलब हम इस पर कुछ ना कुछ फोर्स को या भारी बल को आपतित कर रहे हैं, उस पर उसको खिसकाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो बल होगा वो स्थैतिज घर्षण बल कहलाता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप इस बार नोट कीजिए, आप थोड़ा सा ये डायग्राम बनाइए, और डायग्राम बनाने के बाद में लिखिए कि किसी वस्तु को किसी सतह पर खिसकाने के लिए बल लगाया जाए, और यदि वस्तु अपने स्थान से नहीं खिसके, ये स्थान है ये वस्तु है, अगर ये स्थान से ये वस्तु नहीं खिसक रही है तो इनके मध्य या इन दोनों सतहों के मध्य लगने वाला बल ही हमारे लिए स्थैतिज घर्षण बल कहलाता है। इसको स्टैटिक फोर्स कहते हैं। देखिए मैं स्क्रीन से हट चुका हूं ताकि आप इसको प्रॉपर बना सकें, और इसमें लिखें कि ये एक स्थैतिज घर्षण बल का उदाहरण। ठीक है, ये वस्तु है, ये दोनों सतह हैं, और इनके बीच में जो ये लग रहा है ये आपका घर्षण है, कहीं ना कहीं विरोध हो रहा है, आप इसको विरोध भी लिख सकते हैं। आप थोड़ा सा देखिए इसको और लिखने की कोशिश करें। ठीक है, आई होप आपको स्थैतिक घर्षण बल समझ में आया होगा। आज दूसरी बात करते हैं सर्पी घर्षण बल, जिसे कहते हैं स्लाइडिंग फोर्स ऑफ एक्शन। अब स्लाइडिंग फोर्स ऑफ एक्शन क्या चीज है? स्लाइडिंग फोर्स ऑफ एक्शन है कि यदि कोई वस्तु किसी सतह पर सरकती है तो सरकने वाली वस्तु और उस सतह के बीच लगने वाला बल। जैसे आई होप आपने कर लिया होगा,
इसलिए मैंने थोड़ा सा स्क्रीन को खाली किया था ताकि आप प्रॉपर रूप से, क्योंकि मैं खड़ा रहता हूं तो शायद पॉसिबिलिटी है कि आप इसको ना देख पाए। तो सेकंड जो बल है वह है सर्पी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स। क्योंकि काफी बच्चों ने ऐसा कहा था कि सर थोड़ा बोर्ड में सही से नहीं लिख पाता, इसलिए मैं आज थोड़ा सा हटकर पढ़ा रहा हूं आपके लिए। स्लाइडिंग जो फ्रिक्शन फोर्स है उसको हम किस तरह से व्यक्त करें। कोई वस्तु है किसी सतह पर खिसक रही है, ठीक है, यहां पर स्लाइड कर रही है, मान लीजिए स्लाइड कर रही है, किसी वजह से स्लाइड कर रही है, जैसे कोई ढलान है और उस ढलान से वो नीचे आ रही है, तो वो ढलान से नीचे जब तक आती रहेगी तब तक इन दोनों सतहों के मध्य मध्य घर्षण बल का मान नहीं बढ़ जाता। नीचे खिसक रही है, कहीं ना कहीं गुरुत्वाकर्षण भी इसको अपनी ओर खींच रहा है और ये नीचे खिसकती हुई आ रही है। जब ये नीचे खिसकती हुई आ रही है बच्चों, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पे आके वो आराम से रुक जाएगी। हो सकता है कि यहां तक घर्षण गुणांक कम हो और वो आसानी से खिसक जाए, पर जैसे जैसे सतह आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे घर्षण गुणांक का मान भी कहीं ना कहीं जरूर बढ़ेगा। देखो कंडीशन दोनों है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने बिल्कुल अगर चिकनी सरफेस यहां पर रख दी है, बिल्कुल स्मूथ है, तो उस पे घर्षण गुणांक तो सब जगह होगा ही। मैं एक रफली बात कह रहा हूं, रफली मतलब कि हम किसी स्लाइडर से नीचे उतर रहे हैं, हम किसी सड़क से नीचे उतर रहे हैं और हमारे पहिए या इस वस्तु के बीच में कहीं ना कहीं घर्षण बल जरूर लगेगा या भारी फोर्स लगेगा, और ये घर्षण बल के कारण कहीं ना कहीं आकर रुक जाएगी, और यही लगने वाला घर्षण बल सर्पी या स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स कहलाएगा, जो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में इसकी गति का विरोध करेगा। आप ये डायग्राम बनाइए और परिभाषा लिखिए। परिभाषा है कि जब कोई वस्तु किसी सतह पर सरकती है, ये वस्तु है, ये सरक रही है, सरकती है, तो सरकने वाली वस्तु तथा उसके सतह के मध्य, सरकने वाली वस्तु और सतह के मध्य जो बल काम करता है, वही घर्षण बल सर्पी या स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स जाना जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो कि ये एक वस्तु है जो नीचे की ओर खिसक रही है, इन दोनों के बीच में यानी सतह के बीच में और वस्तु के बीच में एक बल काम करता है, और वही बल हमारे लिए सर्पी घर्षण बल या स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है। आप इसको बना लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, ये वस्तु ए है जो अपनी जगह को छोड़ रही है ना, इस अवस्था से यहां तक पहुंच रही है। ठीक है, अगले अगर हम बल की बात करें तो अगला जो घर्षण बल होगा था उसे कहेंगे रोलिंग या लॉटनिक फोर्स। लॉटनिक फोर्स मतलब कि जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के सतह पर लुढ़कती है। ठीक है, लुढ़कना और सरकना, देखो बच्चों सबसे महत्वपूर्ण आपने सही कर लिया होगा, यहां दो चीजें हैं। पहली तो किसी वस्तु का सरकना और दूसरी किसी वस्तु का लुढ़कना। ठीक है, इसमें काम करता है स्लाइडिंग फोर्स, और यहां काम करता है रोलिंग फोर्स। स्लाइडिंग फोर्स का मतलब क्या हुआ कि कोई वस्तु है और इसको आप स्लाइड करवा रहे हो, इसको खिसका रहे हो। चलो हम इसको इस तरह से ना करके थोड़ा सा इस तरह से करते हैं, इसको खिसकाए हम, ठीक है, थोड़ा सा खिसकाए, और खिसकाने पर जो इन दोनों के मध्य बल लगेगा या इन दोनों के मध्य जो भी घर्षण होगा वो तो स्लाइडिंग फोर्स फ्रिक्शन होगा,
या स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा, लेकिन अगर हम इसको लुढ़काएं, लुढ़काने का सेंस यह है, देखो सरकना मतलब है कि सतह वस्तु की निचली सतह और निचला भाग और सतह दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, यही चीज हो रही है, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, इन दोनों के बीच में संपर्क हो रहा है। लेकिन अगर मैं लुढ़काने की बात करूं तो कोई वस्तु लुढ़केगी कैसे, कि यहां पर कोई गोला है, अब आप जाहिर सी बात है गोले को आप खिसका तो सकते ही नहीं है ना, कैसे खिसकाएंगे इसको, खिसका नहीं सकते। जब आप इसके ऊपर बल लगाएंगे तब ये इस तरह से घूमेगा, और जब ये इस तरह से घूमेगा इसका मतलब है कि इसका प्रत्येक भाग इस सतह को, सतह के संपर्क में आएगा या इस सतह को छुएगा, के इसको टच करेगा, और ये प्रत्येक भाग चाहे वो ए हो, चाहे बी हो, चाहे वो सी हो, चाहे वो डी हो, चाहे वो ई हो या वो एफ, क्योंकि ये लगातार घूम रहा है और ये लुढ़कते 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 पूरे इस तरह से मोशन करेगा 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 और एंड जो आपका एंडिंग पॉइंट है वहां तक आ जाएगा। तो जिस एंडिंग पॉइंट पर ये आकर रुकेगा, देखो ध्यान देना थोड़ा सा कि ये पॉइंट, अब ये एक गोला है कोई या कोई एक सरफेस है जो राउंडेड शेप का है, इसको आपने धक्का लगाया तो किसके गाने, क्योंकि खिसकने वाली चीज तो कुछ इस तरह से होनी चाहिए, मानते हैं आप इस बात को, ये राउंडेड है, अगर राउंडेड में आप इसको धक्का मारेंगे तो ये क्या काम करेगा, ये घूमना शुरू करेगा, और जब ये घूमना शुरू करेगा करते 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 नीचे तक आ गया, और कोई एक जगह है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कहीं ऊंचाई पर रखा हुआ है, बॉल होती है, आपने बॉल को धक्का मारा वो घूमना शुरू हुई, और घूमते 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 एक जगह पर आके वो स्टॉप हो गई। क्यों हुई भाई वो स्टॉप, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं उस बॉल के और उस सतह के संपर्क में एक बल लगा, और वही बल हमारे लिए रोलिंग फोर्स फ्रिक्शन कहलाता है या लॉटनिक घर्षण बल कहलाता है। तो देखिए इतना सा प्रभाव जो हुआ वो किसकी वजह से हुआ, ये सारा प्रभाव हुआ घर्षण की वजह से, सिर्फ और सिर्फ घर्षण की वजह से। आप इसको अच्छे से नोट कीजिए और इसकी परिभाषा मैं लिख देता हूं, ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, ये घर्षण वाले को देखो, ये घर्षण इस तरह से, और स्लाइडिंग जो है वो खिसकना इस तरह का है ना, खिसकना और ये घूमना रोटेट होना, ठीक है, आप इसको नोट कीजिए फटाफट, मैं परिभाषा लिखवाता हूं। तो परिभाषा क्या है, परिभाषा पे ध्यान दें कि जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के सतह पर, वस्तु की सतह पर लुढ़कती है तो दोनों वस्तुओं की सतह पर या सतह के मध्य एक बल कार्य करता है, और वही बल लॉटनिक घर्षण बल कहलाता है। एक बार मैं वापस बोलता हूं, आप इस चीज को वापस सुने, वापस ध्यान से सुने कि जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के सतह पर लुढ़कती है तो इन दोनों के वस्तुओं के सतहों के मध्य लगने वाला बल लॉटनिक बल कहलाता है। आप इसको नोट कीजिए, घर्षण बल की विशेषताएं, हमने अभी घर्षण बल के बारे में जो भी चीजें पढ़ी, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण बल, सर्पी घर्षण बल और रोलिंग फ्रिक्शन या फिर लॉटनिक घर्षण बल, हमने तीनों चीजों को पढ़ा, ठीक है, अब इन तीनों चीजों को हम लोग देखते हैं कि क्या घर्षण बल की जो विशेषताएं हैं वो हमारे लिए क्या मायने रखती हैं, क्या है वो विशेषताएं। तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि दो सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल उनके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। घर्षण बल का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि क्षेत्रफल कितना बड़ा होना चाहिए, कि अगर कोई छोटी सी जगह होगी तो ही घर्षण बल काम करेगा, या कोई बहुत बड़ा विशाल कुछ ऐसा ले रखा है जिसपे जिसका एरिया बहुत बड़ा है, जिसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, वहां जाके घर्षण बल काम नहीं करेगा, नहीं मना कर देगा, ना 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 मैं क्यों काम करूं, ये कोई बात है, ऐसा नहीं हो सकता। घर्षण तो सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है ना, घर्षण तो सतह पर होता है, जैसे
ये एक सतह, ये दूसरी सतह, और ये रखकर अब जो इसकी ये मोशन हो रहा है ये है घर्षण। दोनों सतहों के मध्य लगने वाला बल घर्षण है, उसका क्षेत्रफल से, उसके आयतन से इनका कोई लेना देना नहीं, किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं है। तो आप इस चीज को हमेशा याद रखना। जो यहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग करने वाली चीज है वो है एक स्टैटिक, स्टैटिक यानी स्थैतिक घर्षण बल, और दूसरी है सर्पी यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स। क्यों? क्योंकि स्लाइडिंग, स्लाइडिंग का मतलब होता है किसी चीज का सरकना, कोई चीज सरक रही है और सरकने के बाद में, जैसे ये कोई चीज है और ये सरक रही है, इसके ऊपर सरक रही है। जैसे आप इस मार्कर को देखें, ये सरफेस है, ये मार्कर है। अब मैं मार्कर को ऐसे नहीं घुमा रहा हूं, ऐसे घुमाऊंगा तो रोलिंग फ्रिक्शन हो जाएगा, ऐसे खिसक रही है, ऐसे करके। और खिसक जैसे चट्टान होती है, चट्टान खिसकी अपनी जगह से, स्लाइड हुई, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि वो स्लाइडिंग करने के बावजूद भी कहीं आकर रुक जाती है और सड़क पर आकर नहीं गिरती है, रोड पर नहीं गिरती है, रोड ब्लॉकेज नहीं होता, और बाद में इसको गवर्नमेंट क्या करती है, हटा देती है किसी चीज से, कोई बड़ी सी क्रेन मंगाई जाती है और क्रेन से उसको वहां पर रिप्लेस कर दिया जाता है। लेकिन अगर वो स्लाइडिंग ना हो, वो किसी के द्वारा बल लगाया गया हो, यानी खिसकाया गया हो, किसी ने जोर से खिसकाया हो, तो वो जो खिसकना, वो जो विराम अवस्था से उसको गति अवस्था में लाना है, और उनके बीच जो बल लग रहा है वो बल स्थैतिजी। लेकिन अगर वो खिसक के नीचे की तरफ आ रही है तो वो आपके लिए हमेशा सर्पी घर्षण बल कहलाएगा, या फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स कहलाएगा। और रोलिंग के तो भाई साहब कह नहीं गया, ये देखो रोल हो रहा है, बस ये रोल होता रहेगा, जहां आके रोल रुक जाएगा। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये घर्षण, घर्षण बल यहां पर काम कर गया और हमारा जो रोलिंग फैक्टर है या रोलिंग घूमने वाली जो चीज है वो आकर रुक गई। अब इसी पे बात करते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन का मान सबसे कम होता है। भाई अगर रोलिंग फ्रिक्शन यानी यहां पर घर्षण गुणांक म्यू की वैल्यू मान लो कि स्टैटिक फ्रिक्शन 5 है, यह मैंने माना है, ठीक है, सिर्फ इसको एज्यूम करा जाता है, तो यहां पर इसकी वैल्यू 1 होगी। रीजन, क्योंकि इसकी सतह गोलीय है, ये घूम रहा है, और अगर कोई चीज घूमती है तो उस पर फ्रिक्शन हमेशा कम होता है। बहुत एक्सट्रीम केस में जाकर फ्रिक्शन बढ़ेगा, ठीक है। जैसे आप बाइक लेके निकले, निकलकर आपने एक्सलेट किया, एक्सलेट करने के बाद में आपने इंजन ऑफ कर दिया, अब आपका जो पहिया है वो राउंडेड शेप में है, घूम रहा 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 है, एक जगह, वो एक डिस्टेंस को ट्रेवल करने के बाद में, चाहे वो 500 मीटर हो, 300 मीटर हो, अकॉर्डिंग टू योर स्पीड, आपकी जितनी स्पीड है, उसके बाद में वो एक जगह जाके रुक जाएगा। और जब वो एक जगह जाके रुक जाएगा तब आपका, आप कहेंगे कि इस रोलिंग के बीच में कहीं ना कहीं कोई बल लगा था, या इस सड़क से इस पहिए के बीच कुछ ना कुछ घर्षण हुआ है और इसी घर्षण की वजह से ये रुक गया। लेकिन अगर हम बात करें स्टैटिक फोर्स की, तो उसको तो भैया हम खिसका रहे हैं, उसको तो हम खिसका रहे हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा संदूक है वो एक जगह पर है, ठीक है, आपके मम्मी या पापा ने कहा कि बेटा जरा इसको खिसका देना, सब लोगों ने मिलकर उसको खिसकाया, अब वो खिसक नहीं रहा है क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा वेट है, भाई वेट है नहीं है व्हाटएवर, वेट है, बहुत ज्यादा भारी है, हम उसको खिसकाए जा रहे हैं, खिसकाए जा रहे हैं, अब हम उसको खिसका रहे हैं, अब वो उतना ही खिसकेगा जितना आप उस पर अपना बल लगाओगे, ठीक है। अब वो उसका खिसकना और नीचे वाली जो सतह है उसका, उन दोनों के मध्य जो बल लगेगा वो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। तो इसका मान सदैव ज्यादा होता है, इसका मान कम होता है, ठीक है, स्लाइडिंग हमेशा बीच में रहती है। आई होप कि आपने घर्षण बल को अच्छे से सीखा हो, उसके बाद घर्षण बल को कम किया। देखो हमें, हमारी जिंदगी में घर्षण बल बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज्यादा अच्छा है हमारे लिए। जैसे अगर घर्षण बल नहीं होता तो एक मनुष्य अपनी जगह पर खड़ा ही नहीं रह पाता, हम चलते कैसे, हम चल भी नहीं पाते, ये घर्षण बल ही तो है जिससे हम अपने हर एक जगह पर हम आसानी से घूम सकते हैं, क्योंकि हमारे पैरों के मध्य और सतहों के मध्य कुछ ना कुछ बल लगता है
और इस बल की वजह से ही हम आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन ये नुकसानदायक है, कहाँ नुकसानदायक है, मशीनों में नुकसानदायक है भाई। मशीनों में क्या होता है, मशीनों में कोई स्पेयर पार्ट्स हैं वो आपस में चल रहे हैं दिन रात, जैसे जस्ट लाइक योर इंजन, आप और कहीं कहाँ जा रहे हैं, हम पूरे दिन बाइक स्कूटर स्कूटी या फिर कार यूज करते हैं, तो हम क्या करते हैं उनके बीच में जो पिस्टन होता है, या अगर सिलेंडर है और इसके बीच में कोई पिस्टन है और ये वर्क कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इनके मध्य, इन दीवारों के मध्य घर्षण होगा। आप ये सोचिए कि पहले इसके अंदर हीट होती है क्योंकि इसके अंदर फ्यूल बर्न होता है, इसी में तो फ्यूल जलता है आके, और ये फ्यूल भी जल रहा है, गर्मी भी पैदा हो रही है। इंजन देखो, जब इंजन स्टार्ट हो जाए और कहीं बहुत दूर कहीं घूम के आए तो आप इंजन को हाथ लगाना एक बार, मजा आ जाएगा। मतलब आप कहोगे कि यार ये क्या है, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर होगा। अब देखो ये चल रहा है, इसका मतलब इन दोनों सतहों के मध्य भी कहीं ना कहीं घर्षण हो रहा है, तो ये घर्षण और ये बल, ये हीट, ये ऊष्मा, इन दोनों से तो भैया इसमें आग लग जानी चाहिए। तो हम इसके लिए क्या काम करते हैं, लुब्रिकेशन यूज करते हैं, लुब्रिकेशन ऑयल यूज किया जाता है ना। लुब्रिकेशन ऑयल हम लोग डालेंगे, है ना, आप सुनते हो कैस्ट्रोल का ऑयल आता है आपने, है ना, गल्फ कैस्ट्रोल, इन सब के कितने सारे ऑयल आते हैं, क्या आजकल तो हीरो का जेनुइन ऑयल आ रहा है, बजाज का जेनुइन, ये क्यों होते हैं भाई, ऐसा क्यों यूज किया जाता है, ताकि वो यहाँ पर आकर रुक सकें और इन दोनों के मध्य, इन दोनों दीवारों के मध्य चिकना सरफेस प्रोड्यूस कर सकें, उसको उत्पन्न कर सकें, ताकि आसानी से आप ये इंजन आसानी से वर्क कर पाए। भाई मैकेनिक क्या कहता है, 2,500 किलोमीटर चलानी है भाई गाड़ी, कहता है ना 2,500 किलोमीटर, क्यों, क्योंकि बेसिकली जो लुब्रिकेशन ऑयल होता है उसकी अपनी एक थिकनेस होती है ना, विस्कसनेस, विस्कोसिटी, शांत थिकनेस होती है, शांत कहते हैं उसको बेसिकली, खैर हमें इतना अंदर नहीं जाना है अभी, बेसिकली मुझे ये देखना है। तो आप देखना कि जो पहला आप जब डालेंगे उसमें लुब्रिकेशन ऑयल, उसकी थिकनेस को आप हाथ लगाएं, आपको उसकी मोटाई बहुत ही आराम से अंदाजा हो जाएगा, और जब आप अपनी सर्विस, गाड़ी सर्विस करवाने जाएं, तब जो ऑयल नीचे निकल जाता है, जो उसको रिप्लेस करते हैं, आप उसको देखें और उसको देखो, आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। तो ये थिकनेस जो है, ये कहीं ना कहीं हमारी इस इंजन को प्रोटेक्ट करती है। आई होप कि आपको घर्षण का चैप्टर बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है, आपको याद रहेगा, आप इसको नोट कीजिए। अगले लेक्चर में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपेटल फोर्स, अभी केंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल के बारे में डिस्कस करेंगे, और गति को हम उसी चैप्टर में स्टार्ट कर देंगे। आप इसको नोट कर लीजिए अगर आपने नोट नहीं किया हो। मेरे हिसाब से आज आपका घर्षण का चैप्टर बहुत अच्छे से हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था हम क्या क्या करेंगे, सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल, अभी केंद्रीय अपकेंद्रीय, नाम बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन बल बहुत काम के हैं, इसके बारे में जरूर चर्चा करेंगे, और गति को हम अगले सेशन में 100% स्टार्ट कर देंगे। लेक्चर के लिए थैंक यू सो मच, प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, अगर पढ़ाने में लिखाने में या फिर कुछ ऐसे वर्डिंग में कोई गलती है, कोई मिस्टेक हो, तो इसको क्षमा करें, क्षमा करने के साथ साथ में इसमें अच्छे व्यूज़ दें, बताएं कैसा है कैसा नहीं है। हम एक लेक्चर और एक्स्ट्रा बनाएंगे ताकि आपको सारे क्वेश्चंस जो है हम अच्छे से डन करवा सकें। थैंक यू।